लाख की चूड़िया उसन पाठ्य पुस्तक में अर्थ क्लास में अध्याय सेकंड एक मणिहार के जीवन पर केंद्रित कहानी जो लाख के चूड़ियों का निर्माण करता है और किस प्रकार से मशीनीकरण के कारण वो बेरोजगार हो जाता है उसी के जीवन पर केंद्रित। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ मुझे का प्रयोग लेखक के लिए हुआ, लेखक कह रहा कि बदलू के गाँव में जितने भी लोग थे उनमें सबसे अच्छा मुझे बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारे गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह देती। तो यहाँ पर लेखक का मन अपने ननिहाल के प्रति आकर्षित क्यों होता है या बदलू काका उसका मन क्यों मोह लेता है उसके किसी जो कारण है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था और मकान के सामने जिस जगह बदलू का मकान बना था उनके सामने एक बड़ा सा सहन था, एक पेड़ था जिसमें एक पुरानी नीम का वृक्ष लगा, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहती रहती थी जिसमें बदलू लाख को टेंगाया करता और चूड़ियों का निर्माण किया करता था। लाख मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता, यानी पहले लाख को भट्टी में गर्म कर लेता फिर वो लाख मुलायम हो जाती तो उसको मनचाहा रूप प्रदान कर देता। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, जिनके ऊपर वो उस लाख को चढ़ाकर उसकी चूड़ियों को गोल आकार देता था। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू का ये कार्य सदा एक मचिया पर बैठकर किया करता, मचिया छोटी चारपाई में कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसके पास में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, वह मुझे लल्ला कहा करता था, लेकिन जिसका वैसे नाम जनार्दन उसे बदलू काका लल्ला कहते थे और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह चार छः जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ा कर कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए चुपचाप देखता रहता, जैसे मानो वह बेलन में होकर किसी नववधु की कलाई हो। वो उसकी तरफ चुपचाप इसलिए देखता कि कहीं कोई आकार में छोटी बड़ी या टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो गई है। बदलू मनिहार था, मनिहार जो चूड़ियों का निर्माण करने वाले होते हैं, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक पैसा का मतलब है कि उसके पूर्वज भी चूड़ियों का निर्माण ही किया करते थे। पैसा होता है धंधा और एक होता है पैसा, इसको कहते हैं रुपया मुद्रा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। खपत का मतलब है कि उसकी डिमांड मांग बहुत अधिक थी। उस गाँव में तो सभी स्त्रियाँ उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। बदलू के गांव की स्त्रियाँ वो कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। बदलू जिन चूड़ियों का लाख से निर्माण करता उन्हीं को वो पहना करती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में न बेचता था, यानी मुद्रा विनिमय नहीं था उसका अभी तक। वस्तु विनिमय का तरीका था, वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु, जैसे कि लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था,
अन्यथा साधारण रूप से वो जब भी चूड़ियाँ बेचता तो वो पैसे के लिए, कीमत के लिए या चूड़ियों के बदले जो अनाज लेता उसके लिए वो जिद नहीं करता था कि मुझे इतनी चाहिए, पूरी कीमत चाहिए। लेकिन जब किसी घर में शादी होती उस समय जरूर वो अपनी इच्छा के अनुसार उनकी कीमत वसूलना चाहता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी मतलब थोड़ी सी किसी बात पर वो बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहा लग गया। लोहा लगना बहुत अधिक मेहनत करना, खुशामद करना, तब जाकर वो खुश हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको मतलब जो बदलो है उसको अपने लिए पगड़ी यानी कहीं धोती मिलती और रुपये मिलते सो अलग थे। इस प्रकार जब किसी के घर में शादी होती तब बदलू काका अपनी इच्छा के अनुसार उन लाभ की चूड़ियों की कीमत वसूलना चाहते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, हालांकि वैसे तो बताया गया कि बदलू बहुत ही शांत और संतोष स्वभाव का था, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे से किसी बात को लेकर नफरत थी तो वह यह थी कि कांच की चूड़ियों से। जब भी यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर अंदर कुल उठता, मन में वो दुख होता, गुस्सा होता, कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। दो चार बातें सुना देना मतलब उनको जो कांच की चूड़ियां पहने होती उनके लिए भला बुरा भी कह देता, उनको लताड़ता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर की या कहीं इधर उधर की जीवन की बातें। मैं उससे कहा करता कि शहर में समय कांच की चूड़ियां पहनती तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्दों का यानी कहें अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, शहर की जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए कहते हैं कि उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियां पहने तो उनकी कलाइयों में मोच ना आ जाए, तो यहाँ पर वो उनके ऊपर व्यंग्य करते थे कि मानो उनकी कलाइयां इतनी नाजुक है कि लाख की चूड़ियों का वजन वो सहन नहीं कर सकती, इस कारण वो कांच की चूड़ियां पहनती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करती, मान सम्मान आओ अगर जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और बदलू के घर पर आम के पेड़ थे, जब भी आम की सीजन होती तो उस समय वो आम की फसल में रोज मेरे लिए दो चार आम मुझे खाने को देते, मैं उसके घर से खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही प्रतिदिन कहीं हमेशा या डेली वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। कौन सी गोलियां? जिनसे लाख से वो चूड़ियों का निर्माण करता वो गोलियां बना कर देता। इन कई कारण बदलू काका लेखक को जनार्दन को बहुत अच्छे लगते। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, बहुधा मतलब अक्सर प्राय या कहीं लगभग, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ तभी मेरे पिता का एक दूर के शहर में तबादला यानी कहीं ट्रांसफर हो जाता है और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने विरले हाथों में, विरले का मतलब बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ, बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की
कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुसी और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा अचानक मुझे बदबू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिला। यानी आठ दस वर्षों बाद लेखक को बदबू की दोबारा याद क्यों आती है? उसके मामा की लड़की के हाथ की कलाई में जब कांच की चूड़ी छूट जाती है तो उस समय वो सोचते हैं कि यदि आज इसके हाथों में कांच की चूड़ियाँ नहीं होती, लाख की चूड़ी होती, तो शायद ये इस दुर्घटना से बच जाते। मैंने सोचा कि बदलू से मिला हूँ, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मतलब गौर से देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास ये गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय। इस प्रकार से लेखक समझ गया कि बदलू ने उसे पहचाना नहीं है, इस कारण उसने पीछे की बातों का जिक्र किया और याद दिलाया कि मैं, आप मुझे लला कहते थे, वही व्यक्ति। बदलू फिर से चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब अपने दिमाग में पीछे की बातों को सोच रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही ना उसका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इस प्रकार से बदलू काका काफी समय के बाद जनार्दन से मुलाकात होने के कारण उसे पहचानने में काफी विलंब हो जाते हैं। और जब उनको पहचानते हैं तभी उन्हें पहले की तरह दोबारा समान समान देते हैं। कुछ देर फिर शांति। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छिया जो चुप चाप थी वो नजर आई और न वो भट्टी जिस पर वो मोम को गर्म करते पिघलाते थे। आज की चुटिया बोलते हैं, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीनी युग है ना, कि आजकल मशीनों से कांच की चूड़ियों का निर्माण होने लगा, इस कारण मेरे हाथों से बनाई हुई चूड़ियों को अब स्त्री ने पहनना बंद कर दिया, इस कारण मेरा धंधा बंद हो गया। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख भी कहाँ से, यानी मशीन से जो चीज़ बनाई जाती है वो देखने में काफ़ी सुंदर भी होती है और वो सस्ती भी होती है। इस कारण जनार्दन को बदलू काका बता रहे कि किस प्रकार से मशीनीकरण के कारण उनकी लाख की चूड़ियों का व्यवसाय वो चौपट हो जाता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही लगा, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता। मुझे लगा कि बदलू काका को दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, बूढ़े हो चुके हैं, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, शंका मतलब मन की उसकी भावना, और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो मैंने जैसे ही लेखक को मलाई की याद आई, जनार्दन ने बदलू काका से जनार्दन ने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता, कि मेरा जो व्यवसाय था वो चौपट हो गया, तो गाय को मैं कहना चाह रहा कहाँ से खिलाता। इस कारण इतने में रज्जो जो बदलू काका की बेटी थी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आए। ये तो
बहुत देखा था, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह भैंस पड़ा, सैरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को चार पांच आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ। रजो ने चार पांच आम अंजुली में ले, अंजुली का मतलब अपने दोनों हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह पर छह क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, फबने मतलब बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। बंदू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने लाख की चूड़ियों का, और वो भी जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। दस आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा उसे नहीं दी। दस आने, एक रुपये में 16 आने होते हैं, तो 10 आने वो जमींदार इन चूड़ियों के दे रहा था और उसी पर अड़ जाते हैं बद्दू काका, और इसी बात को लेकर वो उनको चूड़ियाँ नहीं देते हैं, और वही अंतिम जोड़ा आज उसके बेटी पहने हुए जो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। और मैंने जोड़ा जमींदार को नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ आम। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बद्दू ने हार कर भी हार नहीं मानी, या हार कर भी हार नहीं मानी। इसके द्वारा लेकिन ये कहना चाहते हैं कि हालांकि बद्दू का व्यवसाय चौपट हो गया, वो बेरोजगार हो गया, लेकिन फिर भी उसके मन में दूसरों के प्रति मान सम्मान की श्रद्धा की जो भावना थी, उसका जो व्यक्तित्व था वो बता नहीं। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। इसका मतलब कि जैसे कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती है, उसी प्रकार से बद्दू काका यानी कि परिस्थितियाँ बदल गई, बेरोजगार हो गए, गरीबी में जीवन जीने लगे, तो उनका व्यवहार एक पूरी तरह से बदल चुका हो। उसका व्यक्तित्व जैसा पहला था, पहले था, उसी प्रकार का बेरोजगार होने के बाद भी बना रहता। तो इस प्रकार संपूर्ण इस कहानी के माध्यम से, लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से लेकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे भले ही व्यक्ति की परिस्थितियाँ कैसे भी हों, गरीब हो, अमीर हो, किसी प्रकार के जीवन में कष्ट बाधाएं आए, लेकिन उसे अपना व्यक्तित्व कभी बदलना नहीं चाहिए। और साथ में ये संकेत करना चाहते हैं कि मशीनीकरण के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, और विशेष तौर पर ऐसे लोग जो अपने हाथ से वस्तु का निर्माण करके अपने आजीविका चलाते थे, वो सब बेरोजगार हो गए।